हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हमारे जो व्यूअर हैं वो रैंड फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में हम रैंड फंक्शन लगाते हैं बहुत ही आसानी से, क्या एक्सेस में भी यूज हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे यूज करेंगे, इन्हीं सब की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख सकते हैं हमने रैंड फंक्शन यूज किया है, ये देख लीजिए आप, यहां पर हमने रैंड फंक्शन यूज किया है। दिखाता हूं आपको, इसको डिजाइन व्यू पे लेता हूं। यहां पर देखिए R&D फंक्शन हमने लगाया है और यहां पर भी लगाया है, ठीक है। अब एक यहां पर भी लगा के दिखा देता हूं, यहां पे जेड करता हूं और इस फील्ड को जेड नाम देता हूं, यहां कोलन लगाता हूं और यहां पर R&D फंक्शन यूज करने वाला हूं, तो यहां लिखा हमने R&D, ठीक है। और जैसे ही R&D लिखेंगे तो ब्रैकेट को करेंगे, दोनों ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। और अब हमें करना इसे सेव, तो ये सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहां से इसको क्लोज कर दीजिए। फिर इस क्वेरी को दोबारा से ओपन करता हूं तो ये देख सकते हैं यहां पर हमारा रिजल्ट जेड में, जेड जो फील्ड है यहां पर हमारा रिजल्ट जो है प्रिंट होकर आया हुआ है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं 0.862 समथिंग समथिंग इस तरह का कुछ रिजल्ट प्रिंट होकर आया हुआ है। चलिए इसमें थोड़ा कुछ चेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, ठीक है। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो यहां से इसको क्लोज करता हूं और फिर दोबारा से ओपन करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई हमने किया है और 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये जो है हमें आंसर किसमें दे रहा है, डेसिमल में दे रहा है, यानी दशमलव में आंसर दे रहा है। तो R&D फंक्शन तो दशमलव में ही आंसर देता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी और तब्दीली करते हैं। अब यहां हमने लिखा है R&D, ठीक है। R&D के ठीक पहले हम लगा लेते हैं इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यानी आप ये भी सीखेंगे कि इंटीजर फंक्शन यानी इंट का मतलब क्या होता है। इंट फंक्शन हमें या तो प्लस में या तो माइनस में आंसर देता है। अब इसको हमने कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट वाले में आप देख चुके हैं कि क्या आंसर आया हुआ था। अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको क्लोज करते हैं, फिर इस क्वेरी को दोबारा से ओपन करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं यहां पे 3 आ रहा है, ये इंटीजर का दखल है इसमें, जिसकी वजह से यहां आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से रन करवाते हैं, जैसे इसे क्लोज कर दिया, ठीक है, और फिर इसको ओपन करता हूं तो ये तो 3 ही है। अगर यहां से डिजाइन व्यू पे लिया और इसको यहां से SQL और इसको दोबारा से रन करता हूं तो यहां देखिए आंसर 1 आ जाएगा और यहां 0 आ चुका है और यहां पर भी वैल्यूज चेंज हो रही है, तो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। देखिए अगर इसको फिर मैं क्या करता हूं, SQL व्यू पे ले लेता हूं, ये कोड आपको SQL व्यू पे लिखना पड़ेगा तब ये प्रिंट होगा, ठीक है। हमने SQL व्यू में हमने कोई कोड नहीं लिखा है, ये ऑटोमेटिकली सेव होके आ जाता है। तो यहां से अब रन पे क्लिक कर दीजिए तो यहां पे देखिए अभी 0 था, अब ये 1 हो गया और यहां पर कुछ और वैल्यू आ गई और यहां पर कुछ और वैल्यू, तो ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। फिर देखिए फिर इसको मैं क्या करता हूं, यहां से SQL व्यू पे लेता हूं और फिर इसको दोबारा से रन करवाता हूं, एक बार और रन करवाया तो यहां 1 आ गया, यहां 3 आ गया और यहां की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये रैंडम नंबर जनरेट करने का तरीका है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी और तब्दीली करता हूं मैं और वो क्या होगी आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर हमने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देता हूं 5, ठीक है। अगर इसमें 5 ऐड करें तो क्या होगा, तो इसको मैं क्या करता हूं, सेव करता हूं, सेव किया और इसको क्लोज करता हूं और फिर इस क्वेरी को ओपन करता हूं तो अगर 5 ऐड करेंगे तो ये देखिए ये रिजल्ट आएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको फिर से मैं क्लोज करता हूं, यहां से यस किया और अब फिर यहां पर इसको लेता हूं डिजाइन व्यू पर और यहां से फिर SQL व्यू पे लेता हूं और यहां से रन करवाता हूं तो ये देख सकते हैं यहां पे 7 आ रहा है, ठीक है। इंटीजर में ही आएगा रिजल्ट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी आएगा तो इंटीजर में ही ये रिजल्ट प्रिंट होकर आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, जिन्होंने रैंड फॉर्मूले को लेकर के रिक्वेस्ट की थी उनके लिए वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।